नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ जोधपुर। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, तो जो मेरा आज का डेस्टिनेशन है वो है जी जोधपुर से नागौर का। तो अभी आपको मिलते हैं नागौर के रास्ते पर। यहाँ मैं गेस्ट हाउस में रुका था, वहाँ से अब तैयार नहा धो के अब चल पड़े हैं नागौर की तरफ। ये सिटी है जी जोधपुर, एक बार चारों तरफ थोड़ा व्यू देख लो आप। तो इधर तो अभी सड़क टूटी हुई बन रही है, तो अभी आपको मिलते हैं नागौर के रास्ते में और उसके कुछ व्यू वगैरह, लोकल व्यू वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि ये सारा थार डेजर्ट शुरू हो गया ना, फिर उदयपुर जैसी पहाड़ियां और हरा भरा एरिया तो रहा नहीं, अब फिर शुरू हो गया थार डेजर्ट। तो अभी आपको मिलते हैं थार डेजर्ट के रास्ते पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी मैं रास्ते में ना जाकर मेरे को चीज दिखाई थी, मैंने सोचा आपको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ ये बाबूजी बैठे हैं, कुछ गाय हैं और एक पक्षी है, कुछ क्या नाम इनका, खुर्जा, कुर्ज, कुर्ज पक्षी है वो। सामने देखना, वो सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं। ये देखिए ये फॉरेन के पक्षी है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा लूणकरणसर लेक में भी यही पक्षी थे। तो ये पक्षी बाहर से आते हैं और इनको ना यहाँ, ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई बाबू जी रहते हैं। हाँ बाबू जी, छगनलाल जी रहते हैं और इनको दाना खिलाते हैं, इसीलिए इनके पास नहीं जाने देते, क्योंकि अगर पास जाएंगे तो फिर लोग आने जाने लगते हैं। बैठती नहीं है, उठने के बाद बैठती नहीं है। अच्छा, फिर नहीं बैठेंगी, फिर दूसरे दिन आएंगी। अच्छा, और मेन बात यह, अभी लोग आने जाने लग जाएंगे तो इसको मारकर खाने लग जाएंगे ना, ये बात है मेन तो है। अच्छा, तो आप यहाँ ये चारा वगैरह बस डाल दो गाय को? ये तो कोई आते है, कोई 10 का डलवाते है, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 500 का। अच्छा, गाय इतनी है कि और भी है? अभी आते है वो और आती है। तो ये जी इनका वो सामने पक्षी हैं, और इनको कितना दाना डालते हैं? 50 किलो रोज का। 50 किलो रोज, ठीक है। शायद ये मैंने पहले देखा हुआ वीडियो में या नेट पे, गूगल पे शायद है ये, कि दाने वगैरह इनको डालते हैं गांव वाले, और हर साल आते हैं ना, फरवरी मार्च में चले जाते हैं ना, 24 घंटे यही रहती है। ये क्या दाना डालते हैं ना, साल भर यही रहते हैं क्या? यही रहती है, सर्दी गर्मी यही रहती है। अच्छा, मैंने सोचा भाई पहले वो था, देखी थी मैंने वीडियो वगैरह, ये आते हैं और फिर मतलब ये जब भी सर्दियों का मौसम होता है तब आते हैं इधर, इनके लिए ये मौसम अनुकूल होता है, तो उसके बाद फिर ये चले जाते हैं शायद। पर ये बाबू जी बोल रहे हैं कि ये जाते नहीं, यही रहते हैं जी। तो ठीक है जी, ये एक बार और देख लो आप, ये पक्षी काफी ज्यादा संख्या में है और इनको रोज 50 किलो दाना डालते हैं। ये छगनलाल जी हैं। छगनलाल जी डालते हैं और ये भैया यहाँ घास वगैरह जो भी दे जाता है और इन गायों को खिलाते हैं। तो ऐसा है जी कुछ। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे कुछ और नया दिखाएंगे। तो वो जो पीछे भैया जी बैठे थे ना, ये जो अब देखा आपने, तो इसका मेरे को प्रोसीजर अब बाद में समझ आया, जो ये जब मैं बाद में ये वीडियो थोड़ी बनाई है ना, तब मैं बोला नहीं। तो मतलब ये चारा है ना, जो हरा चारा, ये बरसीम बोलते हैं हमारी तरफ, इसकी छोटी छोटी ना इन्होंने वो पोटली बनाई, गठड़ी बनाई है छोटी छोटी। तो जो भी लोग आते हैं वो 100 या 50 जितने की लेकर, और वो जो पास गाय है ना उनको देते हैं और वो गाय फिर खाती हैं। तो ऐसे लोग आते हैं और उनका चारा बिक जाता है और गाय को चारा मिल जाता है। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर है। तो अभी मैंने कुछ संतरे और अनार वगैरह लिया, वो खाते हैं, खाकर फिर आगे चलते हैं, आगे आपको कुछ और दिखाएंगे यहाँ के कल्चर के बारे में। तो ऐसे ही मैं आपको कल्चर दिखाता चला जा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। अब आप एक बार यहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा, तो आप देखिए यहाँ का व्यू। ये देखिए वही किक्कर वगैरह दोबारा शुरू हो गया है, और ये मेन हाईवे है 26, और ये चारों तरफ का एरिया है। अब आगे थार रेगिस्तान फिर शुरू हो जाएगा, अभी है पर इतना ज्यादा इसका असर नहीं है यहाँ पर, अभी आगे शुरू हो जाएगा। और उदयपुर का एरिया मेरे को सबसे जबरदस्त लगा राजस्थान में, वहां तो लगा ही नहीं कि राजस्थान में। तो ठीक है,
अब थोड़े संतरे वगैरह खा के फिर आगे चलते हैं। ये जोधपुर की ना काफी खूबसूरत आईआईटी वगैरह है कोई, ये देखना वो वहाँ फूल वगैरह साथ में लगे हुए, वो काफी खूबसूरत फूल है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर दिखाई दे तो वो देखिए, ये देखिए ऐसे ही ना, ये साथ साथ में ये ऊंचा सा कुछ हाईवे वगैरह बना रखा है, मतलब हाईवे तो नहीं है पर कुछ और ही है, पर खूबसूरती इतनी है क्या। वो देखिए सामने ये गोल्डन ट्री है, ये सामने वो देखना, और इतने खूबसूरत एरिया है ना, मतलब ये आईआईटी वगैरह है कोई जोधपुर की, काफी बड़ी है। मैंने देखा पीछे से लेकर, वो देखना कहाँ से लेकर कहाँ तक है, बट खूबसूरत बहुत है। मेरे को वो फूल लगाने का तरीका ना बहुत बढ़िया लगा, काफी खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं अब आगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ जो खेत होते हैं ना उनमें आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, क्या होता क्या सिस्टम है जो राजस्थान के, ये इधर जोधपुर से इधर बीकानेर की तरफ जो एरिया है ना, इसमें ना जब खेत की खुदाई करते हैं तो देखिए सामने एक बार देखिए आप, जब खेत की ये खुदाई करते हैं ना तो इसमें से ये पथरीला एरिया होने के कारण ये पत्थर निकलते हैं ऐसे, जैसे चारों तरफ लगे हो ना ये पत्थर निकलते जैसे वो निकले हुए हैं। तो ये जब जुताई करते हैं तो ये पत्थर तो इसमें निकाल के साइड में ऐसे लगा देते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये बाड़बंदी हो जाती है, आवारा पशु वगैरह इसमें, मतलब हवा बड़ी तेज है भैया, तो हवा काफी तेज है, तो बाड़बंदी हो जाती है, और दूसरा खेत की सफाई हो जाती है। तो खेत की सफाई होने से ना फिर ये जो मिट्टी रह जाती है, पत्थर ये उठा के यहाँ लगा देते हैं और मिट्टी रह जाती है, और मिट्टी में फिर ये अपनी फसल वगैरह सरसों वगैरह जो भी फसल होती है वो अपना उगाते हैं जब बारिश वगैरह होती है। जैसे ये इधर देखना, ये सरसों की खेती है, ये सरसों है इधर, और वो सामने सरसों की कटाई हो रही है, वो लेडीज वगैरह काट रही हैं। तो ऐसा जिनके खेतों का सिस्टम पथरीला इलाका है ये, क्योंकि जो रेत वाला आगे इलाका है वो परली साइड रह जाता है, बीकानेर से परली तरफ जैसलमेर की तरफ, और इस इलाके में पत्थर होने के कारण ये ऐसे पत्थर निकालते हैं और अपने खेत की सफाई करते हैं, इसमें बाद में फिर फसल वगैरह जो भी बोना होता बो देते हैं। तो ये यहाँ राजस्थान का कुछ ऐसा सिस्टम है। तो अब आगे कुछ और दिखाएंगे, कुछ नया आएगा, मेरा तो काम ही है आपको राजस्थान का व्यू दिखाना और राजस्थान का कल्चर और यहाँ का रहन सहन दिखाना ही। तो चलिए चलते हैं अब आगे। राजस्थान की सरकार और यहाँ के लोगों का एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि जो पानी होता है ना, जो बारिश का पानी, उसकी एक एक बूंद को इन्होंने संरक्षित करना, तो वो इनका मेन उद्देश्य होता है। उसका मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। जो ये मेन हाईवे है ना, जो ये मेन हाईवे, इसके साथ साथ ना ये खाई बनाई हुई है छोटी सी, एक साथ साथ में ऐसे ना आपको, ये अभी तो कच्ची है, कहीं पर पक्की आ जाती है, पर इसको पक्की करने का काम चल रहा है, भी साइड से इसको प्लस्तर कर देते हैं जैसे बजरी वगैरह डालकर, और पक्का कर देते हैं भी, ताकि जो बारिश का पानी यहाँ हाईवे पर बारिश का पानी पड़ता है ना, तो भी सारा इसमें इकट्ठा हो जाए और बाद में ये इनके पशुओं के और इनके खेत में सिंचाई करने का काम आ जाए। तो मतलब इतना इन्हीं को पानी एकत्रित करने का मतलब सिस्टम बना के रखते हैं, कहीं इन्होंने टांके वगैरह बनाए हुए हैं, तो कहीं बावड़ी कहीं कुछ, मतलब इनको पानी की कीमत का पता है, तो इसलिए भाई इनका सारा सिस्टम ऐसे ही होता है, पानी की एक एक बूंद को एकत्रित करते हैं ऐसे। तो दोस्तों अभी आपको कुछ बेटे दिखाते हैं, भेड़ बकरी है, और भेड़ बकरी पालक जो लोग हैं उनसे मिलाते हैं कुछ भी, कैसा रहन सहन और क्या कुछ सिस्टम इनका दिखाते हैं। तो भैया राम राम जी, क्या नाम है जी अपना? सिन्हा। सीना जी, कितनी बकरियां अपने पास? बकरियां अपने हैं थोड़ी है, फिर भी होंगी 150। अच्छा अच्छा 150। आप कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा ऐसी चरा के। गांव कौन सा है? जुराबरा। अच्छा यहीं के आसपास के ही है। चलो ठीक है भैया। ठीक है जी। तो ये थे भैया जी, अब आगे आपको दिखाते हैं कुछ और दिखाने का। हाँ आगे कुछ दिखाने का दिखाते हैं आपको, और ये अभी थोड़ा सा एक व्यू देख लो। चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, तो पहुंच गए नागौर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये फाटक बंद है अभी चलते हैं अंदर नागौर।